जय सियाराम दोस्तों, हम लोग निकल चुके अपने तीर्थ क्षेत्र पूरम से श्री राम मंदिर की ओर। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जय सियाराम। जय सियाराम दोस्तों, अभी हम लोग हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी लंबी लाखों की भीड़ को सुरक्षा देने के लिए कितनी लंबी कतार के लिए व्यवस्था की गई थी। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत लंबी कतार और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यही है अयोध्या धाम, जहां प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। और बहुत ही सिक्योरिटी होने के कारण हम लोग अपने अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहें। जय सियाराम दोस्तों, अभी हम लोग अयोध्या जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर। आप लोग देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ किया गया है। बहुत ही स्कैनिंग और लॉकिंग के द्वारा अंदर जाने की अनुमति मिलती है। जय जय सियाराम। जय सियाराम दोस्तों, भारत के हर क्षेत्र से आए हुए लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है। और यही है राम जी का जन्मभूमि। और बहुत सारा भीड़ है, अभी मंदिर निर्माणाधीन होने के कारण यहाँ पर इस तरह की आप लोग को दृश्य दिखाई दे रही है। जय देख सकते हैं। तो यही है अयोध्या धाम, आप लोग देख रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और जय सियाराम दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं यही वो रामलला जी का धाम है, ये राम मंदिर है। नहीं, हम लोग फोटो नहीं खींचे। आप कहाँ से आए हैं? जय से। कहाँ से? प्रभु रामलला की दर्शन कर मन आनंदित और हर्षित हो उठा, यह सौभाग्य की प्राप्ति हमें हुई। जय सियाराम। आप लोग देख रहे हैं पीछे से लॉकर में हम लोग सामान अपना प्राप्त कर रहे हैं। और ये लॉकर नंबर दिखा करके यहाँ पर हम लोग अपना सामान प्राप्त कर रहे हैं। जय सियाराम। फोटो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं एक सेल्फी जरूर। यहाँ पर भंडारा हम लोग को खिचड़ी मिल रहा है अयोध्या धाम में। और ये लोग खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं। जय सियाराम। जय सियाराम दोस्तों, ये रहा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। और यहाँ से हम अपना ब्लॉग को समाप्त करते हैं। और एक वीडियो बना लेंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय सियाराम।